हेलो फ्रेंड्स, एके गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने सारे मनी प्लांट दिखाना चाहूँगी, मैंने सारे मनी प्लांट्स को किस तरह से लगाया हुआ है। तो ये जो मेरा मनी प्लांट है, आपने देखा ही होगा, इसको मैंने जो है प्लास्टिक का एक वेस्ट मटेरियल जो हमारे किचन से निकलता है वो डब्बा था, इसी में होल करके बनाया हुआ है। और आप इसकी लंबाई देख सकते हैं, ये देखिए लंबाई आप देख सकते हैं, पूरा इसने जो है उस डब्बे को कवर कर रखा है। और ये थोड़ा सा जो ऊपर का है, मैंने कहीं और पर रखा हुआ था, वहाँ पर इसे चूहों ने काट दिया है, ऊपर ऊपर क्लिप्स, वरना ये भी ढका रहता था, तो इसलिए मैंने इसको अभी यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। और आप इसकी ग्रोथ देखिए कितना सुंदर है। ये देखिए पूरा चारों तरफ से जो है इसी तरह से ये दिखाई देता है, पूरी लंबी लंबी लीव्स हैं इसमें मनी प्लांट की। और कोई इसमें मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसकी कोई खास केयर नहीं करनी पड़ती है, अपने आप ही बढ़ता रहता है। और ग्रीनरी तो आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा देता है, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी जो है स्टेम्स हैं और काफ़ी सुंदर सा दिखाई देता है। ये देखिए, ये जो आप मनी प्लांट देख सकते हैं, इसकी भी ग्रोथ देखिए, फुल सन में रखा हुआ है और इसकी भी ग्रोथ देखिए पूरा नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरह से फैलता जा रहा है। और इसकी आप रूट्स देख सकते हैं, ये देखिए ये मिट्टी में चिपक गई थी इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है, इसकी रूट्स कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। और ये मैंने लगाया हुआ है सारे वेस्ट मटेरियल, जो मग्स होते हैं घर में, टूटे हुए मग्स थे, ये देखिए ये है एक, और ये एक मग है, और ये एक प्लास्टिक का ऐसे ही डब्बा था, चॉकलेट वाला डब्बा था, ये देखिए छोटे छोटे डब्बों में मैंने लगाया है। और मतलब ये जो मेरे तीन प्लांटर्स हैं, मैं उनको कहीं भी डेकोरेशन के लिए रख देती हूँ, इतने अच्छे दिखाई देते हैं कि मैं, आप देख ही सकते हैं साथ में जो है किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए। और मनी प्लांट मैं बहुत ज़्यादा लगाती हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट प्लांट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक मनी प्लांट मेरा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी मैंने इसे एक वेस्ट मटेरियल में ही लगाया हुआ है, ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक पता नहीं कौन सा डब्बा था, ये इसमें मैंने ऊपर में जो है इस तरह से मनी प्लांट लगा दिया है। और ये आप इसकी लंबाई देख सकते हैं, पीछे में कुछ बॉटल्स में मनी प्लांट लगे हुए हैं और इनके आप देखिए ग्रोथ। और कुछ मनी प्लांट मेरे इधर हैं, ये देखिए छोटे छोटे बॉटल्स में ये मनी प्लांट की रूट देखिए दीवार में चिपक गई है, ये देखिए, ये देखिए इसमें भी इसकी आप साइज़ देख सकते हैं, जबकि इसमें मैंने बहुत सारी कटिंग ली हुई है, कटिंग के बाद इसने फिर से न्यू ग्रोथ स्टार्ट की है। छोटे छोटे बॉटल्स हैं, एक एक लीटर के जो बॉटल्स होते हैं, और काफ़ी सुंदर सा यहाँ का मुझे ये व्यू लगता है। ये देखिए यहाँ पर भी इसकी ग्रोथ देखिए, काफ़ी सुंदर सा जो है यहाँ पर लुक आता है। और ये देखिए यहाँ पर भी कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, और ये इसका साइज़ देख सकते हैं, ये देखिए। ये मेरा मनी प्लांट आप देख सकते हैं, इसको मैंने लगाया है एक हैंगिंग बास्केट में, और आप इसकी भी ग्रोथ देखिए, ये देखिए कहाँ पर ऊपर की ओर चला जा रहा है, ये एक स्टेम है, और इस स्टेम देखिए धीरे धीरे दीवार से चिपक जाएंगे, क्योंकि इसके स्टेम जो होती हैं कुछ ऐसा सपोर्ट पाती हैं तो और अच्छी तरह से ग्रोथ होती है इसकी। और देखिए पूरा प्लांटर भरा हुआ है। और मैं एक दिखाती हूँ इसकी एक स्टेम जो है, ये यहाँ से इसकी एक स्टेम निकली है, और मैं इसका साइज़ दिखाती हूँ, ये देखिए इसका साइज़ जो है चला जा रहा है बिल्कुल। और ये इसकी एक स्टेम है, और ये जो है इस तरह से बस चली जा रही है, इसको मैं अगर छोड़ती हूँ तो ये देखिए पूरा नीचे की ओर ही आता है। तो बस थोड़ी सी केयर करनी होती है फ्रेंड्स। और ये देखिए एक और स्टेम जो है इसकी, ये भी कितनी नीचे की ओर आ रही है, देखिए मेरे से इसका एक रूट भी टूट गया है, कोई बात नहीं फिर से ग्रो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। और प्लांट जो एक ऐसा प्लांट है जो हमारे सभी के यहाँ पर आपको सभी के घरों में आराम से दिख जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा भी। ये देख सकते हैं कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, और इसकी ग्रोथ देख सकते हैं,
और ये मेरा जो यहाँ पर मनी प्लांट है इसे मैंने मॉस स्टिक में लगाया हुआ है। ये यहाँ का जो एरिया है मुझे इतना पसंद है, ये देखिए ये ऊपर से इतना भर चुका है कि मैंने इसे बांधा नहीं, और ये भी इस तरह से पूरा लंबा होता चला जा रहा है। इतनी लंबी लंबी स्टेम्स हैं, ये देखिए ये भी पूरा नीचे की ओर आ रहा है। मैं इसको कट करके इसकी कटिंग लगाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, ये पूरा भरा हुआ है। इसे मैंने देखिए इस तरह से, मैंने घर पे ही ये मॉस स्टिक बनाया हुआ था इसी पर मैंने इसको चढ़ाया हुआ है, पूरा इसने कवर कर लिया है। और प्लस पीछे की तरफ से जो है ये इसकी स्टेम्स और भी फैलती जा रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो आपको, ये तो मार्बल क्वीन पोथोस टाइप से हो गया है, देखिए इसकी लीव्स पर, और इसकी जो स्टेम्स है ये देखिए ये इधर से इस तरह से चली जा रही हैं, और ये गई है पूरा पीछे से होते हुए पूरा पीछे की ओर उधर तरफ गई है। मैं इसको निकालूंगी नहीं क्योंकि अंदर ही अंदर ही काफ़ी फैल चुका है। देखिए पूरी ग्रोथ इसमें से बहुत, देखिए मैंने यहाँ से कटिंग भी ली हुई, बहुत सारी कटिंग लेने के बावजूद आप इसकी जितनी कटिंग करते हैं इतनी ही इसकी ग्रोथ अच्छी होती जाती है। तो मनी प्लांट काफ़ी इजी टू ग्रो और काफ़ी इजी टू मेंटेन प्लांट होता है, तो आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। और छोटी छोटी एक लीफ से भी ये ग्रो हो जाता है। इसे मैंने नहीं दिखाया था फ्रेंड्स, ये मेरा काफ़ी इधर छाया में रखा हुआ मनी प्लांट है, और इसकी आप रूट देखिए इतनी लंबी लंबी इसकी जो है रूट्स आ रही हैं। ये देखिए दीवार में पूरा चिपक चुका है, ये देखिए पूरा दीवार में ये चिपक चुका है और ऊपर की ओर जा रहा है। ये थोड़ा सा गंदा हो गया है फ्रेंड्स क्योंकि इधर जो है मैं ज़्यादा सफाई नहीं कर पाती, इसे भी मैंने मॉस स्टिक पर ही लगाया हुआ है। और इसको आप देखेंगे तो ये एक ग्रो बैग जो होता है, बोरी होती है हमारे यहाँ, उस पर मैंने लगाया हुआ है। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसे कोई प्लास्टिक का पॉट ही दें, किसी ग्रो बैग में भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, आप बॉटल में ग्रो कर सकते हैं। बहुत ईजी टू मेंटेन प्लांट होता है और इसके लिए कोई खास किसी पॉट की ज़रूरत नहीं होती है।